फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लीगलॉजीज वन, जहां पर हम कर रहे थे ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो हमने ये शुरू तो कर ही दिया था, लेकिन 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 आज हम क्या करने वाले हैं इसको देख के आपको समझ में आ ही जाएगा। उमराव जान गंगूबाई, इसमें हम देख रहे हैं किडनैपिंग। अगर जो है किडनैप ना हुआ तो याद है आपको उमराव जान ने किडनैपिंग हो गई होगी और उसके बाद ही उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला था। सड़क पे ऐसे बच्चे तो अक्सर ही दिख जाते हैं आपको जो ड्रग्स के अंडर होते हैं और उनको चुरा के लाए होते हैं सिर्फ भीख मांगने के लिए। तो ऐसे ही कुछ क्राइम्स को हम देखेंगे। इसमें डेटा भी मैंने आपको दिया, अगर आपको ज़रूरत हो। 294 किडनैपिंग केसेस हमारे देश में डेली होते हैं जिसमें बच्चे हैं और इसी में प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी यूज़ होते हैं, क्राइम के लिए भी यूज़ होते हैं, बेगिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। बस क्या ही बताऊँ मैं, लोग बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो करेंगे वो हैं सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक। 93 से 95 हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, अगर आपने उनको ना देखा हो तो आप उसे देख सकते हो। ये वाले सेक्शंस आईपीसी में थे, सेक्शन 366A, 69, 72 और 73। मैं बार बार बता रही हूँ कि आईपीसी के सेक्शन से बीएनएस जो है बहुत ही बेटर और कॉम्प्रिहेंसिवली अरेंज्ड है, जहाँ सारे सेक्शंस उनके टॉपिक और थीम के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। इसीलिए बीएनएस जो है मेरे को बहुत ही सिस्टमैटिक लगता है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताती हूँ अपने चैनल के बारे में। इस चैनल में हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं बीएनएस को डिटेल्स में और साथ साथ इसमें हम आईपीसी को भी डिस्कस करते हैं, दोनों का सेक्शन वाइज कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा है कि मैं चाहती हूँ आप इस नॉलेज को अप्लाई करो और इससे आप जुडिशियरी के अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है। सिर्फ एक एंगल से मैं आपको कोई भी सेक्शन नहीं कराती, आपकी अपनी सोच डेवलप होती है और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये क्लियर हो जाता है, जो बहुत सारे केसेस हम अपनी स्टडीज़ में उठाते हैं और इन केसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से लॉ अप्लाई किया जाता है कोर्ट में और हमारी लाइफ दोनों। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना पेपर और पेन के साथ अपना दिमाग लेके बैठना है और स्टार्ट कर देना है अपने नोट्स बनाना। बट इससे पहले एक काम तो आपको और करना है, ज़रा फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और लाइक बटन दबाना मत भूलना, और कुछ हो सके तो यार कमेंट भी कर दो उसे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सेक्शन 96 पर। सेक्शन 96 बात करता है प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे को लेना, इधर उधर से मारना, चुराना। फिर आता है किडनैपिंग या एबडक्टिंग अ चाइल्ड अंडर 10, ये किडनैप वाला नहीं है जो बड़ों का होता है, सिर्फ 10 साल से छोटे बच्चों का। स्टील ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। सेक्शन 98, इसमें बच्चों को और 99 बच्चे को खरीदना और बेचना किस लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। गंगूबाई और उमराव जान अब याद आ गए, और भी बहुत सारी पिक्चरें थी, चिकनी चमेली, और आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसमें बात करेंगे सेक्शन 96 से सेक्शन 99 तक। चलिए तो अब सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन 96, प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड। आप देखो ये सारे आपको पिक्चर्स देख के, पता नहीं देख के पिक्चर्स इतना मेरे को ट्रैजिक लगता है, लोग कैसे कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड, हमने अपने हर वीडियोज़ में हमने डेफिनेशंस को भी ब्रेकअप करा हुआ है। आप अपनी नोट्स अगर ऐसे बनाओ तो आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये किसके लिए है सेक्शन 96, कोई भी, हुएवर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई भी हो सकता है। ऑफेंस क्या है, जो किसी भी मीन से इंड्यूस करता है एक बच्चे को जो किसी जगह पर जाए या कोई ऐसा काम करे, कैसा काम, जिसमें कि जानते बूझते, मतलब जानते बूझते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज मतलब उसका इंटेंट है कि ऐसा जो बच्चा वो फोर्स्ड और सीड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स विद एन अदर पर्सन। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि वो पहला तो इंड्यूस करे, ऑफेंस क्या होगी, बच्चे को इंड्यूस करे कि वो किसी और जगह जाए और एक एक्ट करे। तो इसमें क्या हो गया, इंड्यूस कर रहा है वो, ठीक है, उसके साथ साथ एक्शन भी आ गया, और उसको क्या करना है, उसको किसी और प्लेस पे जाना है जानते बूझते, इसमें इंटेंट आ गया, जानते बूझते है ना, तो इंटेंट लाइकली और किस लिए, कि वो बच्चा जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, ये भी इसका एक एसेंशियल है, किसी और जने से, खुद से नहीं, इसमें कोई और जना ज़रूर होना इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये इसके सारे एक तरह से एसेंशियल्स हो गए। उसमें पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट है अप टू 10 ईयर्स। इसमें आपको फिर से मैं बता दूं, पहले हम ऐसे टेबल बनाते थे ना कि सबसे पहले सेक्शन लिखा 96, फिर यहाँ पर हमारा ऑफेंस आएगा, ऑफेंस पे हम पनिशमेंट लिखते थे कि अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। अब आपको ये सब नहीं करना है, वीडियो के एंड में जाओ, आपको एक पूरा बना बनाया टेबल, खिचड़ी पूरी बनी हुई है, आपको सिर्फ खानी है और उसके नोट्स बनाने, आपको हर सेक्शन का क्राइम, ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी। बस वीडियो के एंड में पूरा है, आपको स्क्रीनशॉट लेके उसे नोट कर लेना है, ठीक है। अब
हम देख लेते हैं एक बार इसके एसेंशियल्स डिस्कस तो कर ही लिए. एक्यूज्ड जो है वो चाइल्ड होना चाहिए पहले. अब हम चेंज क्या है इसमें, जब हम आईपीसी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड था, ठीक है, लेकिन अब ये जेंडर न्यूट्रल हो गया है. वो चाइल्ड जो है माइनर होना चाहिए बस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, तीनों जेंडर्स रिकग्नाइज्ड हैं. यहाँ पर गर्ल चाइल्ड मेंशन करना ज़रूरी नहीं है. जो पर्सन इंड्यूस किया गया है वो चाइल्ड जो है वो 18 साल से छोटा होना चाहिए. यहाँ भी चाइल्ड है ना. उसके बाद आगे क्या है कि जो उसको इंड्यूस कर रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि वो जो बच्चा है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और से करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी तीसरे जने से होना चाहिए. पहला जना जिसने उसे इंड्यूस किया उसको किडनैप, उसको एंटाइस करा, मतलब एक तरह से उसको बरगला के भगाया, और दूसरा जना वो है जो भागा, और तीसरा जना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो इससे ना होकर किसी और जने के साथ हो रहा है. और ये जो इंड्यूसमेंट है वो उस लड़की को या उस बच्चे को फोर्स करता है कि वो कहीं और जाए. यहाँ मैंने हर जगह गर्ल को नहीं हटाया क्योंकि एक्चुअली ये एसेंशियल्स जो है एक केस में दिए गए थे, और ये केस किसका था, आईपीसी का. केसेस हम जितने भी लेंगे सारे आईपीसी के हैं क्योंकि अभी डीएनएस के केसेस और प्रेसिडेंट्स नहीं बने, प्रेसिडेंट्स अभी आईपीसी के ही चलेंगे. इसलिए मैंने हर जगह गर्ल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ज़रूर मार्क कर दिया क्योंकि आपको याद रहे कि अब गर्ल चाइल्ड नहीं है, ये एनी चाइल्ड है, सिर्फ गर्ल का होना ज़रूरी नहीं है. तो ये एसेंशियल इकबाल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में दिए गए थे. तो अब हम इससे रिलेटेड चलिए कुछ केसेस भी देख ही लेते हैं. तो अब इसमें केस क्या है, सबसे पहला जो केस लेते हैं हम वो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखपाल. इसमें जो है एक्यूज्ड को क्या चार्ज किया था कि वो एक माइनर गर्ल को इलिसिट पर्पसेस के लिए लाया था, और इसमें जो है इस सेक्शन के अंडर करने के लिए मेन क्या प्रूफ करना था कि वो लड़की को इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए लाया था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए. तो इसने इस केस में ये क्लियर हुआ था कि हमें एविडेंस चाहिए कि हमने चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन किया. अगर इसका एविडेंस मिलेगा तभी हम यहाँ पर उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. अगला केस क्या था, गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इसमें भी यही था कि एक माइनर गर्ल को लाया था और उसकी शादी करानी थी उसकी मर्जी के खिलाफ. तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि उसकी शादी करानी है किसी और के लिए, तो यहाँ पर अगर शादी करानी है तो वो इस केस में जो एंटाइस है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो इस केस में नहीं आता. ये किसी और केस में तो जाएगा ना, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो है, उसकी मर्जी के खिलाफ आप शादी करा रहे हो और ऊपर से माइनर गर्ल की करा रहे हो, वो भी इलीगल. लेकिन इस केस में वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं है. तो कई बार क्या होगा कि अब आप कोर्ट में कर रहे हो तो ये है एक्यूज्ड और ये है प्रोसिक्यूशन. तो एक्यूज क्या दिखाएगा कि मैंने अगर जो है लड़की किडनैप भी करी है तो मैंने उसको फॉल्स शादी के लिए कराया, या फिर मैंने उसको कराई नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी नहीं कराया, या ये सारे पॉइंट्स कौन रखेगा, ये एक्यूज रखेगा. और प्रोसिक्यूशन क्या दिखाएगा कि नहीं उसने इसी इंटेंशन के साथ कराया. तो प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट बढ़ाएगा और वो ये प्रूफ करेगा और एक्यूज अपनी बात प्रूफ करेगा, फिर जज कोर्ट में जो भी प्रूफ हो जाएगा वही आगे चलेगा. अब इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला यही वाला है जो हमने पिछली बार आपको दिखाया था, पिछले वाले में, कि इसी सेक्शन इसी वाले इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2007 में ही इसके इंग्रेडिएंट्स दिए थे कि लड़की को इंड्यूस करना है, 18 ईयर से कम होना चाहिए. मैं पिछले वाले में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है. एक केस और लेते हैं, चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस केस में क्या हुआ था, लड़की जो है वो एक्यूज के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फोर्स नहीं किया गया था किसी दूसरे जने से. तो इस केस में उसने जो है एक्यूज के ही साथ अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स जो था उसका रिलेशनशिप उसी के साथ था. तो इसमें जो है ये बताया गया कि अगर किसी और थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो वो इस केस में नहीं चलेगा. लेकिन ध्यान रखना, वो पीछे हम इसको कर चुके हैं कि अगर वो इससे छोटी मतलब मेजर नहीं हुई है तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले ही एक क्राइम है, बस इस सेक्शन में नहीं होगा, अदर सेक्शन में वो चलेगा. क्लियर. अब हम आते हैं अगले सेक्शन पर, सेक्शन 97. अब यहाँ पर क्या है, किडनैपिंग और एबडक्टिंग चाइल्ड अंडर टेन ईयर्स टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन. इसमें क्या आता है, ये कौन कर सकता है, हूएवर, कोई भी हो सकता है. ऑफेंस क्या है कि हम किसी बच्चे को चुराते हैं 10 साल से छोटा, और किस लिए वो क्राइम करते हैं, कि उसे मारने के लिए नहीं, उसे पीटने के लिए नहीं, क्यों होता है, ताकि उसके हाथ में जो भी या उसके ऊपर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उससे छीनना, डिसऑनेस्टली उससे ले लेना. जैसे अगर ये लड़की है, मान लो ये चेन पहने हुई है, या ये लड़की है इसके हाथ में एक महंगा सा फ़ोन दिख रहा है, तो कोई जना आया और इस बच्चे को ले गया, लेके चला गया ताकि उसको ये फ़ोन मिल जाए, इस लड़की को उठा के ले गया ताकि इसकी वो चेन वेन खींच ले और बाद में दे दिया. तो इम्प्रिजनमेंट इसमें कितना मिलेगा, इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो है अप टू 7 ईयर्स. फिर से मैं कह रही हूँ आपको, एंड में यहाँ नोट मत करो, एंड में आपको पूरा टेबल मिल जाएगा. तो इसके भी एक बार हम एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं. सबसे पहला, किडनैपिंग और एबडक्शन होना चाहिए जिसमें आप बच्चे को लेकर जाते हैं. उसकी उम्र जो है वो 10 साल से कम होनी चाहिए. इंटेंट क्या है,
इंटेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है. इंटेंट अगर मर्डर है तो वो यहाँ नहीं चलेगा. इंटेंट अगर उसको हर्ट करना है तो यहाँ नहीं चलेगा. इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि उससे उसके ऊपर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी ज्वेलरी है, उसके पास फोन है, ऐसी प्रॉपर्टी को उससे छीनना. क्लियर? तो अब हम देखते हैं इस ऑफेंस में एसेंशियल्स हमने कर लिए, इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं. ये बहुत बड़ा इतना मेजर इंपॉर्टेंट केस, बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं होगा जब तक कि हम उस बच्चे को हर्ट ना करें, और हर्ट करते ही और सेक्शंस भी इंक्लूड हो जाएंगे. श्री जयराम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें क्या हुआ था, एक वुमेन जो है शॉपिंग मॉल से एक बच्चे को उसकी ज्वेलरी चुरा रही थी, लेकिन वो जो है सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था और उसको अरेस्ट कर लिया था. यहाँ पर उसको 369 जो आईपीसी का था, याद रखना फिर से सारे केसेस आईपीसी के, उसमें उसको पनिश किया गया था क्योंकि यहाँ पर वो उस बच्चे से उसकी ज्वेलरी जो भी उसके ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको चुरा रही थी. उषा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 2012 का केस है, इसमें क्या हुआ था कि एक्यूज ने जो है ट्यूबॉर्ड को अपने पेरेंट्स से चुरा लिया था, और उसके बाद जो फिर से वही बात आ गई, एक्यूज और प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा था कि उसने जो है बच्चे को चुराया है ताकि वो किस आगे उसे बेच सके किसी चाइल्डलेस का, वो मतलब वो जो है उन्होंने चुराया है ताकि वो चाइल्डलेस कपल उसके पास रख सके. कोर्ट ने देखा इसमें क्या देखा कि उनका इंटेंट क्या है. अगर उसने सामान चुराने के लिए लिया है या उसने बच्चा चुराया है ताकि वो उसको बेच सके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर सके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या देखनी है वो है इंटेंट. तो ये दो सबसे ज़्यादा इसमें कोर्ट ने बताया था, दो इंग्रेडिएंट्स कन्विक्शन के इसमें सबसे बड़े हैं. पहला ये है कि बच्चा 10 साल से छोटा होना चाहिए, वो तो यहाँ पर चल रहा था, और किडनैपिंग इस इंटेंशन से होनी चाहिए कि उस बच्चे के ऊपर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो. तो जब इस बच्चे के ऊपर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं थी तो इसका मतलब वो इस सेक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन किडनैपिंग तो हुई है तो वो किडनैपिंग के सेक्शन में जाएगा. हो सकता है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है मर्डर हो, जो भी हो उसके केसेस वैसे चलेंगे, लेकिन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि उसका इंटेंट सिर्फ सामान चुराने का नहीं था. क्लियर? तो ये भी हमारा हो गया. अब हम चलें आगे, अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो है सेक्शन 98. अब ये और अगला सेक्शन सिमिलर है. यहाँ पर क्या है, सेलिंग ऑफ अ चाइल्ड. तो याद ध्यान रखना, हम अगले को बहुत डिटेल्स में नहीं करेंगे, अगले में है बाइंग ऑफ अ चाइल्ड. बाकी कंडीशन मोर और लेस सिमिलर है. तो ये किसके लिए, हुएवर मतलब कोई भी जेंडर का हो सकता है, सेल लेट्स टू हायर और अदरवाइज डिस्पोसेस ऑफ एनी चाइल्ड. यहाँ पर क्या है, सेल भी हो सकता है, लेट्स टू हायर मतलब खुद हायर नहीं कर रहा है, वो बच्चे को किराए के लिए दे रहा है, या अदरवाइज बच्चे को बेच दे रहा है या किसी और को दिए दे रहा है. क्यों दे रहा है, उसका इंटेंट क्या है, ऑफेंस क्या है, इंटेंट क्या है, कि जो बच्चा एनी एज का 18 साल से छोटा किसी भी एज का बच्चा हो सकता है उसको इम्प्लॉय किया जाएगा प्रोस्टिट्यूशन में या इलिसिट इंटरकोर्स में किसी और जने के साथ, अपने साथ नहीं किसी और जने के साथ, या फिर उसे किसी अनलॉफुल इमोरल पर्पज़ के लिए, पोर्नोग्राफी के लिए, या किसी भी ऐसे काम के लिए यूज़ करा जाएगा, या फिर ये पता है कि हो सकता है लाइकली भी करा, ये भी है मतलब आपको श्योरिटी भी हो सकती है कि बच्चे को इन कामों के लिए यूज़ करा जाएगा, या लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है कि आपने उसे जहाँ पर बेचा है उसको जिसको दिया है वहाँ पर उसको ऐसे ही काम कराए जाएंगे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए. यहाँ पर पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट है यहाँ पर अप टू 10 years प्लस फाइन. तो क्या है पनिशमेंट, अप टू 10 years प्लस फाइन. तो इसकी पनिशमेंट उससे ज़्यादा है ना जो पीछे की थी. सिंपल किडनैपिंग अगर है तो कम है, अगर सिर्फ सामान चुरा रहे हैं उस पर से तो कम है, लेकिन अगर हम उसको बेच रहे हैं तो उससे ज़्यादा. अब यहाँ पर भी दो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं. अगर अभी तो यहाँ पर हुसोएवर, यहाँ पर तो चाइल्ड था ना, अब जब हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं तब हम यहाँ पर फीमेल लेते हैं. तो एक्सप्लेनेशन में अगर कोई लड़की है जो 18 साल से कम की है और उसे बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चाइल्ड था जिसको इनमें से किसी काम के लिए भी यूज़ किया जा रहा था. एक्सप्लेनेशन में है कि अगर कोई लड़की है जो 18 साल से कम की और हम उसे बेच देते हैं कहाँ पर, या उसको किराए के लिए दे देते हैं, उसको वहाँ पर दे आते हैं, कैसे किस जने को देते हैं, जो कोई ब्रॉथल रन कर रहा है मतलब जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, जहाँ पर लड़कियों को इसी काम के लिए यूज़ करा जा रहा है, वहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जिस व्यक्ति ने उसे बेचा है उसका इंटेंट क्या है, कि वो जो लड़की जो बेची गई है वो प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी, प्रोस्टिट्यूशन करेगी. यहाँ पर क्या है, जिस आदमी ने काम किया है ना ये, उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं बेचा. ये हम शुरू से कर रहे हैं ना. तो जो एक्यूज्ड है यहाँ पर, एक्यूज्ड पे है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो ये प्रूफ करेगा कि उसने जिस लड़की को बेचा है या किराए पे दिया है, जो लड़की भी उसने यूज़ करी है, वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं दी गई है. और अगर वो ये प्रूव नहीं कर जाता तो माना जाएगा कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने कहा है वो सही है और उसको पनिशमेंट मिली. फिर हम आते हैं एक्सप्लेनेशन टू पर. यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही है कि बिटवीन पर्सन, नॉट, इसका मतलब यह है कि जिस बंदे की शादी
शादी नहीं हुई है या शादी जैसा, कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पर शादी नहीं होती लेकिन लिव इन भी एक्सेप्टेबल होता है, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ पर शादी नहीं होती, शादी से पहले ही हस्बैंड और वाइफ की तरह लोग रहते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो अगर वो ऐसी किसी ट्राइब या कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और वो हस्बैंड और वाइफ जैसे नहीं है तो वो इलिसिट इंटरकोर्स माना जाएगा। यहाँ पर वही दिया है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ कई ऐसी हैं जहाँ पर शादी होना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर वो साथ रह रहे हैं तो क्वासी मैरिटल रिलेशनशिप माना जाएगा, मतलब वो मान लेते हैं कि वो शादी हुई हुई है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आईपीसी और इसमें क्या बदलाव है। यहाँ पर माइनर को चाइल्ड से रिप्लेस कर दिया गया, तो माइनर पहले लिखा था, यहाँ पर हमने उसे चाइल्ड कर दिया है जो किसी भी एज का हो सकता है ऑफ, और चाइल्ड का क्या मतलब है, कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम का है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने नोट्स के लिए, आपको यहाँ पर केस स्टडीज़ भी दिए गए हैं। और ऐसा नहीं हम केस स्टडीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे लेकिन हम सेलिंग के बाद। ये देखो ये एक फ़ोटो है जहाँ पर सोल्ड है, इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने अभी नहीं करे हैं, चलो इंग्रेडिएंट्स भी पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो बच्चा है, जो आदमी है, वो सेलिंग और लेंडिंग या डिस्पोजिंग कर रहा है और जो बच्चा दिया जा रहा है वो माइनर है, 18 साल का नहीं हुआ है। और अगर ये किसी लड़की के साथ किया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और यहाँ पर जो डिफेंस जो जो एक्यूज है उसे प्रूफ करने का पड़ेगा कि उसके साथ प्रोस्टिट्यूशन के लिए उसने नहीं भेजा। अब एक केस आया था लाल सिंह वर्सेस स्टेट, 1954 का कोर्ट केस था और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सेलिंग और एन अनमैरिड हिंदू गर्ल फॉर द पर्पस ऑफ हर बीइंग मैरिड, अगर हम शादी के लिए उसको दे रहे हैं तो ये इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस नहीं है लेकिन किसी और के अंडर ऑफेंस हो सकता है क्योंकि वो लड़की अभी मेजर नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर शादी के लिए दे रहे हैं, प्रूफ हो गया कि वो शादी के लिए दे रहे हैं तो वो इस केस में सफ़र नहीं करेगा। फिर आता है स्टेट वर्सेज शाइडा 2004 का केस, इसमें क्या हुआ था, एक्यूज जो है वो एक छोटी सी लड़की मतलब माइनर गर्ल को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच रहा था और कोर्ट ने ये देखा कि सफिशिएंट एविडेंस है कि जो एक्यूज है वो ट्रैफिकिंग करता आ रहा है, उसकी हिस्ट्री है माइनर गर्ल्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया कि जो लोग ऐसे एम्प्लॉयमेंट में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, फीमेल ट्रैफिकिंग में हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और केस आया था कामिनी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें जो एक्यूज थे वो इलीगल ट्रेड में थे माइनर गर्ल्स के प्रोस्टिट्यूशन में, और कोर्ट ने यह कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और लड़कियों की, बहुत छोटे बच्चों की लाइफ से डील करते हैं, उनकी पूरी लाइफ ख़राब करते हैं और लीगल फ्रेमवर्क में ऐसे केसेस को पनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइनर्स को प्रोस्टिट्यूशन में ना लाया जाए। और इसीलिए ये डाला गया है कि अब जो भी जना प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच रहा है उसको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं बाइंग पर, अभी हम सेलिंग की बात कर रहे थे, सेम वही केस है कि कोई भी जना अगर खरीदता है या फिर किराए पे लेता है या किसी भी और तरह से किसी बच्चे का पोजीशन अपने पास लेता है तो मेंस रिया मतलब इंटेंट फिर से आ गया। इंटेंट क्या है कि उसको जो है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, सिर्फ इलिसिट इंटरकोर्स के लिए किसी और व्यक्ति के साथ यूज़ करेगा या कोई भी इनमॉरल पर्पस के लिए यूज़ करेगा। तो ऐसे केसेस में पनिशमेंट क्या है, पीछे आपने देखी थी पनिशमेंट बेचने की, यहाँ पर आप देखोगे खरीदने की। तो खरीदने के लिए जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स तक की है लेकिन ये 7 ईयर्स से लेकर 14 साल तक हो सकती है। यहाँ पर एक बदलाव आया है, नॉट लेस देन, मतलब आप ऐसे व्यक्ति को जो खरीद रहा है किसी भी लड़की को या बच्चे को उसे 7 साल से कम की पनिशमेंट नहीं देते। अब यही बदलाव है जो आईपीसी के सेक्शन 373 से आया है, उसमें जो है पनिशमेंट 10 साल तक की थी लेकिन उसमें कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया गया है, अगर कोई भी ऐसा जना पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल तो देनी ही है, कोर्ट इससे कम नहीं दे सकता है। और उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो 10 ईयर्स थी, उस 10 ईयर्स को हटाकर यहाँ पर 14 साल की पनिशमेंट कर दी गई है। और एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स की जगह चाइल्ड आ गया है, चाइल्ड का मतलब यही है कि कोई भी जना जो 18 साल से कम हो। तो यहाँ पर पनिशमेंट के क्लॉज में बदलाव किया गया है, इसको और इस लॉ को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, क्लियर, पनिशमेंट बढ़ाकर स्ट्रिक्ट बनाया गया। लेकिन अब हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यही जो है पिछले वाले में, अगर कोई भी जना खरीदता है कोई भी लड़की या उसको अपने पोजीशन में लेता है, किराए पे लेता है और वो लड़की है, अगर वो फीमेल है तो ये जिसने खरीदा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो ये बताए कि उसने इस लड़की को किस काम के लिए खरीदा है, अगर प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं खरीदा। और अगर जो प्रोसिक्यूशन, अगर उसने कहा है कि ये लड़की बेची गई है और इसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा गया है तो एक्यूज ये प्रूफ कर पाता है नहीं, ये इसको देखें। और सेक्सुअल इंटरकोर्स का वही मतलब है जो पिछले वाले सेक्शन में आपको बताया गया था, सेक्शन 98, क्लियर। अब सेक्शन 99 के चलिए यहाँ भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि यहाँ पर बाइंग और डिस्पोजिंग हुई है, जो विक्टिम है वो 18 साल से कम का है, पर्पस जो है प्रोस्टिट्यूशन अगर लड़की है तो वो भी हो सकता है या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी हो सकती है।
यहाँ पर एक केस देखते हैं स्टेट वर्सेस रमेश कुमार, इसमें जो एक्यूज है उसने एक माइनर गर्ल को खरीदा था प्रोस्टिट्यूशन के लिए और उसने ये देखा कोर्ट ने कि ये माइनर को जो है बेचा गया था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए और इसने खरीदा था। यहाँ पर फिर यही दिखाया गया कि सेक्शन 373 कितना इंपॉर्टेंट था आईपीसी का और इसमें स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से आप देखो यहाँ पर बीएनएस में इसकी स्ट्रिंजेंट उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और पनिशमेंट बनाया गया क्योंकि हर केस में यही कहा गया कि ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक केस आया था आशा तमंग वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 में, इसमें एक माइनर गर्ल जो है वो नेपाल से लाई गई थी और उसको प्रोस्टिट्यूशन किया गया था, प्रोस्टिट्यूशन में उसको ज़बरदस्ती ढकेला गया था और ये ब्रॉदल कौन चलाता था? आशा तमंग। अब आशा जो है वो इस घर की तो ओनर नहीं थी तो उसने तो ये कहा कि मैं क्योंकि इस घर की ओनर नहीं हूँ तो ये ब्रॉदल मेरा नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर रह रही थी एक कमरे में और उसी जहाँ पर वो रह रही थी वहीं पर वो और लड़कियों को रखती थी और पैसे लेने का भी काम आशा तमंग जो थी वही करती थी। तो ब्रॉदल यही माना गया, हो सकता है रेंट पे चल रहा हो या जैसे भी चल रहा हो, तो कोर्ट ने माना था कि वो हालांकि इसका पोजीशन ना हो, वो ओनर ना हो इसकी, लेकिन चलाने का काम वही कर रही थी और इसलिए वो इसमें एक्यूज्ड मानी गई और कन्विक्शन उसका हुआ। एक और केस आया फिर देख लेते हैं, मंजप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2008 का केस है, इसमें विक्टिम जो है 13 साल की लड़की थी जिसको उसके घर से चुराया गया और बॉम्बे में उसको फोर्स किया गया कि वो रिलेशनशिप्स बनाए और लोगों से और उसको जो है जॉब का भी प्रॉमिस किया गया और उसको एस को बेच भी दिया गया जो उससे प्रोस्टिट्यूशन करा रहा था। अब पुलिस ने जब इन्वेस्ट किया और उसने एस को जो भी जना था ये उसको पकड़ा और मेडिकल एग्जामिनेशन में ये कंफर्म हो गया कि वो लड़की माइनर भी थी और ये सारे इवेंट्स जो थे वो सही थे। अब क्योंकि उसको किडनैप किसी और ने किया था और उसको बेचा एस पे था तो एस ने क्योंकि खरीदा था तो एस के खिलाफ केस चला और एस को इसके लिए कन्विक्ट किया गया, उसको लायबल माना गया। ठीक है, तो ये वो सारे केसेस थे जो हमने अभी कंसिडर किए हैं और इनको और स्ट्रिक्ट बनाया गया जैसा कि मैंने आपको भी बताया। सो नाउ इट्स टाइम टू थिंक, एक बार हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ और रिटन में जहाँ पर डिटेल्स आती है वहाँ पर आपको केसेस आने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, टी जो है एक एक्यूज है जिसने एक स्कीम लॉन्च करी और बच्चों को फॉल्स प्रॉमिस से नौकरी के एग्जाम्पल देकर झांसा देकर उन्हें लेकर आए और उसे शहनों में लाकर बेच दिया। अब इसमें बताइए उनको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, पढ़ लो आप इन्हें और पढ़ने के बाद मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैंने दे दिया है पर आप खुद देख के बताना मुझे एक्सप्लेन करके, मैंने बहुत जल्दी से आगे बढ़ा दे, हो सकता है आप देख भी ना पाए हो, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला ये है कि एक माँ ने अपने 3 साल के बच्चे को पब्लिक पार्क में फेंक दिया और ये बच्चा जो है बिल्कुल बिना ये तो मैंने आपको पिछले वाले जो हमने वीडियो करा था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना और इसका आंसर भी आप मुझे बताना, उस वीडियो को आप देख ही चुके हो तो फिर ये आपको मुझे बता देना चाहिए, बड़ा आसान होना चाहिए। अब ये है पनिशमेंट्स जो मैंने आपको बताया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अब आप सारी पनिशमेंट्स को याद कर सकते हो। इसमें आपको सेक्शन भी दिया है, ऑफेंस भी दिया है और पनिशमेंट भी दिया है, मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ इसका, लेकिन स्क्रीनशॉट लो और अब हर सेक्शन में मतलब हर चैप्टर के एंड में मैं आपको ऐसे ही पनिशमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट बना कर दे दूँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक जहाँ पर हम मर्डर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय।